नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर्स टू योर लव एंड सपोर्ट। हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फुल हेवी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। ये पूरे डिटेल्स के साथ और आसान तरीके से मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगी। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमें कितने कपड़े की जरूरत होगी। बड़ों के लिए 3.5 से 4 मीटर कपड़ा लीजिएगा और बच्चों के लिए आप ये कपड़ा हिप साइज के 3 गुना ज्यादा लीजिएगा, मतलब हिप साइज मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपको रिक्वायर फैब्रिक मिल जाएगा। सबसे पहले फुल हेवी पटियाला का यहाँ पर लेआउट है वो हम समझ लेंगे और यहाँ पर मेजरमेंट भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लेआउट ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स लिखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये है हमारा बेल्ट, जिसे हम बेल्ट कहेंगे। फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ जो है वो होगा हमारा ज्वाइंट यानी पार्ट, उसे हम हिंदी में पार्ट बोलते हैं। तो ये पार्ट के हमारे 2 पार्ट निकलेंगे कपड़े के ऊपर से। और ये जो है साइड में ये कली है, तो ये कलियां हमारी 4 निकलेगी, एक लेग्स के पार्ट में 2 और दूसरे लेग्स के पार्ट में 2। इस तरह से ये 4 कलियां हमारी कपड़े के ऊपर हमें कट करनी है। और यहां पर ये जो है ये है हमारा बॉटम, जिसका हमें मेजरमेंट की जरूरत होगी कट करने के लिए। तो इस प्रकार ये हमारा लेआउट है। अब हम देखते हैं क्रॉच लेंथ। तो देखो ऊपर के पॉइंट से, बेल्ट के ऊपर के पॉइंट से यहां तक जो ये डिस्टेंस है ये है हमारी क्रॉच लेंथ, जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। लेकिन कपड़े के ऊपर डालते समय ये जो कैलकुलेट की हुई क्रॉच लेंथ है उसमें से हम बेल्ट को माइनस करेंगे। यहां पर देखो, यहाँ कली के ऊपर क्रॉच लेंथ डालते हुए हम बेल्ट की जो विड्थ है 7 इंच वो माइनस करेंगे और फिर कली के ऊपर हम मेजरमेंट डालेंगे। कट करते समय वो भी हम देखेंगे। इस प्रकार ये हमारा पूरे पार्ट कपड़े के ऊपर से कट हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं हमारे मेजरमेंट। बेल्ट है हमारी 7 इंच, हिप साइज है हमारा 38 इंच, फुल लेंथ है 41 इंच, बॉटम है हमारा 7 इंच, इसका मतलब हमारा फुल राउंड का बॉटम जो है वो 14 इंच होगा, उसका हाफ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्रॉच लेंथ हमें यहाँ पर निकालनी है, तो क्रॉच लेंथ निकालने के लिए जितना हमारा हिप साइज है उसे 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारी जो हिप साइज है वो 38 इंच है, उसे अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है मेरा 12.5 इंच। उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारी क्रॉच लेंथ हमें मिल जाती है 14 इंच। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके क्लियरली बताया है, आप इस तरह से क्रॉच लेंथ निकाल देंगे। और क्रॉच लेंथ जब आप कपड़े के ऊपर कट करेंगे किस तरह से उसका मेजरमेंट डालेंगे वो हम देखेंगे आगे। तो चलो हम शुरू करते हैं कपड़े के ऊपर हमारा किस तरह से कटिंग होगा। यहाँ पर 4 मीटर कपड़ा है और यहाँ पर ये हमारा सिंगल लेयर है, इस तरह से हमने इसको बिछा के रखा है। सबसे पहले हम करेंगे बेल्ट का कटिंग। बेल्ट के कटिंग के लिए हमने यहाँ पर हमारी जितनी बेल्ट है 7 इंच, उसमें 2 इंच ऐड किया और यहाँ पर 9 इंच पर मैंने मार्किंग किया। जैसे मैंने नीचे की ओर मार्किंग किया वैसे ही मैंने ऊपर की ओर मार्किंग किया और ये दोनों पॉइंट हम लाइन से ज्वाइंट करेंगे। अब जहां पर हमने ये लाइन ड्रॉ की है उसको हम कट कर देते हैं, ये हमारी बेल्ट निकल कर आएगी। सबसे पहले हमें सिंगल लेयर में इस तरह से 9 इंच की बेल्ट कट की, जो कि तैयार होकर 7 इंच बन जाएगी। बेल्ट को हम साइड में रख देते हैं। अब जो कपड़ा बचता है हमारा उसे हम डबल फोल्ड करके लेंगे। इस पूरे कपड़े को मैंने यहां पर डबल फोल्ड करके लिया हुआ है, आप देख सकते हो इस साइड में हमारा फोल्ड है। यहां पर हम लेंगे पार्ट का मेजरमेंट। तो ये फोल्डेड कपड़ा है यानी 2 लेयर कपड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट के मेजरमेंट के लिए हमारा बॉटम जो है वो 7 इंच है। यहाँ पर बॉटम का मतलब मेरा जो हमारा बॉटम है उसका हाफ मैंने लिया है 7 इंच, यानी पूरा घेरे में हमारा बॉटम 14 इंच आएगा। तो 7 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच ऐड करके 8.5 इंच पे मार्किंग किया और उस मार्किंग के ऊपर कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड करके लिया। तो चलो हम एक बार इसको कन्फर्म करते हैं कि ये हमारा बराबर से 8.5 इंच है। तो ये बराबर से है यानी कि हमारा फोल्ड सही है। अब इस फोल्ड जो हमने किया है यहाँ पर हम लेंगे लेंथ। तो हमारी फुल लेंथ है 41 इंच और हमारी बेल्ट है 7 इंच। तो हम फुल लेंथ में से बेल्ट का मेजरमेंट माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है मेरा 34 इंच। उसमें मैंने 1 इंच मिलाना है सीम अलाउंस के लिए, तो यहाँ पर मेरा 35 इंच पे मेरी लेंथ का मार्किंग आया ऊपर की ओर, मैंने वहां पर लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये हमारा पार्ट यहां से यहां कट हो जाएगा।
तो यहां पर हम हमारा पार्ट कट कर देते हैं इस तरह से, और ऊपर की ओर से भी हम कट करेंगे जहां पर हमारी लेंथ का मार्किंग आया है। यह हमारे यहां पर पार्ट निकल चुका। अब जो देखो पार्ट के ऊपर जो हमारा कपड़ा बचता है वो हमें बेल्ट में जॉइंट के लिए यूज होगा, तो हम इसको साइड में रख देते हैं। अब जो ये हमारा पार्ट निकल आया है ये देखो इस तरह से, तो इस साइड में फोल्ड है तो इसको मैं कट कर देती हूँ फोल्ड को, ताकि ये हमारे दो लेग्स के पार्ट के दो पार्ट निकल आएंगे इस तरह से। इसको फिर से मैं फोल्ड करके यहाँ पर साइड में रख देती हूँ। अब जो हमारा ये कपड़ा बचता है, यहाँ पर मैंने क्रॉच लेंथ ले ली, क्रॉच लेंथ हमारी 14 इंच है जो कैलकुलेट करके आई थी, उसमें से बेल्ट का 7 इंच माइनस किया और यहाँ पर मैंने 7 इंच पे मार्किंग कर दिया। यहाँ पर मैंने 7 इंच पे मार्किंग किया, जहां पर हमारा मार्किंग आया है वहां पर मैंने इस तरह से पार्ट को उसके लेवल में बिठा दिया साइड में। अब देखो ऊपर की तरफ हमारा पार्ट जहां पर जा रहा है, यहाँ पर हमारे क्रॉच लेंथ का मार्किंग आया और ऊपर हमारा पार्ट जहां तक आ रहा है वहां पर इस तरह से आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन यहां पर बन चुकी है। अब यहां पर हमने 7 इंच लिया है क्रॉच लेंथ, तो उतना ही 7 इंच हम यहां पर जहां पर आपको येलो लाइन दिख रही है उसके नीचे 7 इंच पे मार्किंग करना है। जितनी क्रॉच लेंथ हमने अपोज साइड में ली है उतनी ही हम यहां पर लेंगे, और यहां पर 2 इंच आगे की तरफ लेंगे, यहां पर 2 इंच आगे की तरफ लाइन खींच देंगे और नीचे की साइड में भी 2 इंच आगे की तरफ लाइन खींच देंगे। अब ये पॉइंट और वो अपोज साइड का पॉइंट, हम दोनों पॉइंट लाइन बना देंगे, यहां से यहां तक लाइन खींच देंगे। ये हम यहां पर कलियों का कटिंग कर रहे हैं, तो ये मैंने यहां पर लाइन बना दी। अब जो लाइन हमने बनाई है इसके ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। तो यहां पर जो हमने 2 इंच आगे की तरफ लिया है यहां पर इस तरह से स्मूथली कर्व बनाएंगे दोनों साइड में, एकदम हल्का सा कर्व देंगे ही, कर्व शेप देंगे और इसके ऊपर से हम कट करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट है जो हमने लाइन बनाई थी वो हम कट कर देंगे, क्योंकि हमारी कलियों की लेंथ उतनी ही आएगी जितनी हमारी पार्ट की लेंथ है। तो जितनी हमारी पार्ट की लेंथ आई थी वहां पर हमने मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन खींची थी, और जो ऊपर का हिस्सा है वो कपड़ा हम निकाल देंगे। इस कपड़े की जरूरत हमें पोचा बनाने में होगी, तो ये कपड़ा मैंने साइड में रख दिया। अब जो हमारी रेड कलर की लाइन हमने यहाँ पर खींचती है उसके ऊपर से हम कटिंग करके हमारी कलिया जो है वो निकाल देंगे। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में 2 कलिया और नीचे की साइड में 2 कलिया हमारी निकल आ चुकी है, और ये हमारा पार्ट होगा इस तरह से। तो 4 कलिया और 2 पार्ट हमारे यहाँ पर निकल आए हैं फुल हेवी पटियाला सलवार के लिए। अब जो यहाँ पर नीचे की तरफ 2 कलिया है, क्योंकि ये हमने डबल लेयर में कपड़ा रखा था, तो यहाँ पर आपको येलो लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन को इस तरह से उठाना है और इस साइड में जो पार्ट की स्ट्रेट लाइन है वहां पर मैं इसको इस तरह से रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हमारा ज्वाइंट आने वाला है। ये स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन मैंने इस तरह से रख दिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब हम करते हैं बेल्ट का कटिंग। तो शुरू में ही हमने 9 इंच विड्थ की बेल्ट कट की थी, बस ये देखिए हमारी 9 इंच विड्थ की ये बेल्ट है, बस इसकी लंबाई नापनी है। तो ये यहां से यहां तक का मेजरमेंट हमें चाहिए होता है हिप का हाफ, मेरा 19 इंच आता है हिप का हाफ, प्लस उसमें 3 इंच ऐड करना है तो वो हो जाता है मेरा 22 इंच। तो ये मेरा बराबर से 22 इंच आ रहा है। अगर आपका ये कम पड़ रहा है तो आप पार्ट के ऊपर से जो कपड़ा बचा था जो कि मैंने आपको बताया था उसका ज्वाइंट आप बेल्ट को दे सकते हो और आपकी बेल्ट कंप्लीट कर सकते हो। मेरा यहाँ 44 इंच पन्ने का कपड़ा था तो मेरा यहाँ पर बराबर से बेल्ट 22 इंच हो रहा है, मुझे ज्वाइंट की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे बेल्ट को स्टिच। तो ये बेल्ट मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके लिया, जहां पर ओपन साइड है वहां पर हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मैं स्टिच लगाऊंगी। ये स्टिच मैं यहां पर ही स्टॉप करूंगी, क्योंकि ऊपर की ओर 2 इंच छोड़ेंगे नाड़ा इंसर्ट करने के लिए। अब यहां पर जो सीम है उसे अंदर की साइड में फोल्ड करके स्टिच लगाते हैं।
इस सीम को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड किया और उसके ऊपर से हम स्टिच लेंगे। ये हमारे पहले के कई वीडियो में हो चुका है बेल्ट तैयार करने का। इस तरह से सीम को डबल फोल्ड करके यहां पर स्टिच ले लेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ हमें जो नाड़ा इंसर्ट करने के लिए फोल्ड करना है यहां पर, तो इसको सबसे पहले क्वार्टर इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद 1.25 इंच नीचे इस तरह से फोल्ड करके लेंगे और इसके ऊपर से राउंड में स्टिच लगाएंगे। यहां पर पूरी तरह से राउंड में स्टिच लगा के ले लेते हैं। बेल्ट रेडी हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा फ्रंट है, वहां पर इसको बराबर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक नॉच लगाएंगे। ये हमारा बैक का सेंटर निकल आएगा। अब यहाँ पर देखो सेंटर में हमारा पार्ट है और साइड में दो कलिया है, तो मैं यहां से होके यहां तक स्टिच लगाऊंगी और इस साइड में भी मैं स्टिच लगाऊंगी और ये दोनों कलिया में पार्ट को ज्वाइंट कर लूंगी। तो यहां पर मैं सिलाई लेके लेती हूँ। यहां पर मैंने सिलाई ले ली है जहां से मैंने आपको बताया था, ये दोनों कलिया मैंने ऊपर से लेके नीचे तक ज्वाइंट की है और सेम इसी तरह से इस साइड के भी ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सिलाई लगाई है। तो इसी प्रकार मैंने दोनों लेग्स के पार्ट तैयार किए हैं। ये हमारा एक लेग्स का पार्ट है, तो दोनों लेग्स के पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार करके एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद इस साइड में ये हमारा क्रॉच है, तो यहां से यहां तक मैं सिलाई लूंगी क्योंकि यहां पर ये क्रॉच है और नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। और सेम इसी तरह से इस साइड में भी क्रॉच है, तो यहां पर भी ऊपर से नीचे तक मैं सिलाई लूंगी। यहां पर हमारे दोनों क्रॉच ज्वाइंट हो गए, तो मैं ये दोनों साइड में सिलाई लेके ले लेती हूं जैसा कि मैंने बताया था। अब ये दोनों सिलाई लेने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। यहां पर मैंने सिलाई ली ही इस साइड में, सेम इसी तरह से इस साइड में भी मैंने क्रॉच की सिलाई ले ली है और ये नीचे और ऊपर के दोनों पार्ट एक दूसरे को ज्वाइंट हो चुके हैं। अब यहां पर ये पार्ट है और पार्ट के सेंटर में पकड़ना है, नीचे के और भी पार्ट के सेंटर में पकड़ना है और इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा कि जो हमारे क्रॉच है वो बराबर से सेंटर में आ जाएंगे। यहां पर जो हमने क्रॉच की सिलाई ली थी वो बराबर से सेंटर में आ गई है। अब सबसे पहले हमें बैक की और 3 इंच की प्लेट्स लेनी है। तो ये देखो, ये हमारा फ्रंट साइड होगा और इसके नीचे जो होगा वो हमारा बैक पैटर्न होगा। तो यहाँ पर 3 इंच के हम इस तरह से प्लेट्स लेंगे। ये सीधी साइड है और सीधी साइड में ये प्लेट्स इस तरह से बनेगी और ये यहाँ से इस तरह से। तो सबसे पहले हम बैक साइड में प्लेट्स ले लेते हैं। यहाँ पर ये मेरा बैक साइड है और ये क्रॉच है, तो यहाँ पर दोनों साइड में 3-3 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे और 3 इंच से इस तरह से प्लेट्स को उठाएंगे और सेंटर में रखेंगे। सेम उसी प्रकार इस साइड में भी करेंगे। तो यहां पर सिलाई लेते हैं, इस साइड में भी 3 इंच मेजर करेंगे और इस तरह से उठाकर प्लेट्स को रखेंगे सेंटर में और यहां पर ये हमारी प्लेट बन जाएगी। ये हमारी बैक साइड की प्लेट से ये उल्टी साइड में बॉक्स प्लेट दिखेगी, सीधी साइड में ये इस तरह से दिखेगी। अब लेते हैं फ्रंट साइड के प्लेट्स। तो फ्रंट साइड के प्लेट्स एक साथ एक जैसे लेने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है। ये हमारा मेजरिंग टेप है और मेजरिंग टेप को मैंने यहाँ पर टिस्को टेप की मदद से स्टिक किया है। आप यहाँ पर स्टिक कर सकते हो या मेजरिंग टेप को आप इस तरह से वेट रखकर स्टेबल कर सकते हो।
अब ये हमें किस तरह से रखना है। यहाँ पर मैंने 4.5 इंच की मुझे प्लेट्स लेनी है, तो ये 4.5 इंच मैंने इस तरह से यहाँ पर रखा। यहाँ पर ये बराबर से सुई के लाइन में मेरा 4.5 इंच का नाप आ रहा है। इस प्रकार मैंने टेप को स्टिक किया है। अब ये है हमारे फ्रंट का क्रॉच। यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड से हमें फ्रंट की ओर प्लीट्स लेने हैं, तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पर बराबर से रख दिए। आप अगर 3 इंच की प्लीट्स लेना चाहते हो तो आप बराबर से 3 इंच आपके सुई के लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ से प्लीट्स को उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे। अब प्लीट्स के ऊपर से सिलाई लेते हुए 1/2 इंच आगे की ओर जाएंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच प्लीट्स के ऊपर आ चुके हैं, यानी कि 5 इंच तक हमारी प्लीट्स चली गई है आगे की ओर। अब फिर से यहाँ से उठाना है और यहाँ आगे की ओर रख देंगे। हर एक प्लीट्स हमारी यहाँ पर 4.5 इंच की आएगी और प्लीट्स के ऊपर हम 1/2 इंच सिलाई लेते हुए आएंगे। तो ये 1/2 इंच हमें कैसा समझ आएगा, ये जो प्लेट्स है ये बराबर से हमारी 5 इंच तक चली जाती है पीछे की ओर इस तरह से। तो 1/2 इंच प्लेट्स के ऊपर सिलाई लेते हुए आए। फिर से हमने दूसरी प्लेट्स उठाई और इसको इस तरह से नीचे की ओर रख दिया और फिर से हम 1/2 इंच उसके ऊपर आएंगे। ये देखो 5 इंच तक चली जाती है। फिर से हम मेजरिंग टेप के कोने से होके प्लेट्स को उठाते जाएंगे। जहाँ पर हमारे मेजरिंग टेप का एंड होता है आगे की ओर, वहां से कपड़े को उठाना है, प्लीट्स को उठाना है और आगे की तरफ रखते हुए हम एक के बाद एक प्लीट्स लेते जाएंगे। आप देख सकते हो ये जो प्लीट्स का डायरेक्शन है ये क्रॉच की ओर होगा, हमारा फ्रंट के क्रॉच की ओर। इस तरह से ये प्लीट्स हम एक के बाद एक उठाते हुए लेते जाएंगे। अगर आप मेजरिंग टेप को इस तरह से रख सकते हो या फिर आप जितने इंच की प्लीट्स लेना चाहते हो उतना मशीन के ऊपर मार्किंग कर दीजिएगा कोई छोटा सा और उसके अकॉर्डिंग प्लीट्स बनाते जाइएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लीट्स बना लेते हैं एक साइड के। एक साइड के प्लीट्स हो जाने के बाद दूसरे साइड के प्लीट्स बनाएंगे फ्रंट के। पूरी तरह से प्लीट्स लेते हुए हम पीछे की ओर आ गए हैं और यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। एक बार हम बेल्ट, यहाँ पर बेल्ट लगा के मेजर करेंगे कि ये जो प्लीट्स हमने बनाए हैं ये बराबर से हमारे बेल्ट को मैच होने चाहिए। तो जो तैयार करके रखा हुआ है बेल्ट उसको हम लेंगे। यहाँ पर बेल्ट का जो बैक साइड का नॉच है उसको हम लेंगे और यहाँ पर जो हमारे सलवार का बैक साइड है वहां से होके हम चेक करेंगे। यहाँ पर ये बेल्ट का फ्रंट साइड का सेंटर है तो ये सलवार का जो क्रॉच है वहां तक देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्लीट्स है वो थोड़ा सा एक प्लीट हमारी ज्यादा पड़ गई है तो उसको निकाल देंगे ताकि ये बराबर से हमारे बेल्ट को मैच हो जाएगी। तो वो प्लीट्स निकालने के बाद मेरा वो डिस्टेंस सही हो गया। अब हम लेंगे दूसरी साइड में प्लीट्स। दूसरी साइड में प्लीट्स लेने के लिए टेप को मैंने वहां से निकाला और इस साइड में स्टिक किया। ये बराबर से मैंने 4.5 इंच यानी 4.5 इंच पर मुझे इसे स्टिक करना है। ये सुई हमारी जहां है वहां पर हमारा बराबर से 4.5 इंच आ गया है। अब हमारे सलवार के फ्रंट साइड में दूसरी साइड की ओर प्लीट्स डलेंगे। तो वो प्लीट्स हमारे यहाँ पर लेने के लिए हमें ये डायरेक्शन चेंज करना पड़ा। अब यहाँ पर हम क्रॉच की ओर से यानी सेंटर फ्रंट की ओर से प्लीट्स लेना शुरू करेंगे और इसका डायरेक्शन होगा पहले वाले प्लीट्स के बराबर से सामने। फ्रंट के अपोज साइड में हमने जिस तरह से प्लीट्स लिए थे सेम उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी प्लीट्स लेते हुए जाना है। और हमारा जो सेंटर फ्रंट का जो क्रॉच है तो वहां से राइट और लेफ्ट दोनों साइड के जो प्लीट्स है वो एक दूसरे के, उनके फेस एक दूसरे के सामने होंगे। अब फ्रंट के दोनों साइड के प्लीट्स रेडी हो जाने के बाद ये देख सकते हो आप, ये प्लीट्स के जो डायरेक्शन है वो दोनों का एक दूसरे के सामने है। यहाँ पर पूरे प्लीट्स हमने ले लिए हैं और यहाँ पर ये इस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ पर
देख सकते हो ये बैक साइड है, बैक साइड में हमने एक ही प्लीट्स ली थी 3 इंच की, बॉक्स प्लीट उल्टी साइड में दिखेगा। और ये है हमारा फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड में आप देख सकते हो ये किस तरह से हमने ये प्लीट्स ले लिए हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ हम बेल्ट रखेंगे, और ये बेल्ट हम इस बराबर से सेंटर में रखेंगे, सेंटर को सेंटर मैच करते हुए, और देखेंगे तो ये जो हमने प्लीट्स ले लिए हैं ये बराबर से बेल्ट को मैच हो रहे हैं। अगर ये बेल्ट से ज़्यादा होते हैं तो एक प्लीट्स बढ़ा दीजिएगा दोनों साइड में, और अगर कम पड़ रहे हैं तो एक एक प्लीट्स निकाल दीजिएगा, ताकि ये बराबर से हमारे बेल्ट की जो विड्थ है उसको बराबर से ये मैच हो जाए। अब ये जो बेल्ट है हमारा, तो ये बराबर से सेंटर को सेंटर मैच करते हुए हम रखेंगे, और इसको इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे। ये हमने इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करके लिया सलवार के ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पर बेल्ट जॉइंट करना है हमारे नीचे के पैटर्न को। अब ये बेल्ट का जो सेंटर है ये बराबर से सलवार के क्रॉच को, सेंटर क्रॉच को बराबर से मैच होना चाहिए। फ्रंट को फ्रंट और बैक को बैक जॉइंट करते हुए पिनअप कर देंगे। तो यहाँ पर बैक का नॉच लेके और बैक का बराबर से सलवार का क्रॉच लेके यहाँ पर पिनअप करेंगे, और फिर राउंड में पूरी तरह से इसको पिनअप कर देते हैं। पिनअप करने के बाद हम इसको राउंड में सिलाई ले लेंगे। अब देखो ये पूरे राउंड में मैंने पिनअप कर दिया है, ये इस तरह से दिखेगा। अब जब हम सिलाई लेते हैं, सिलाई लेने के बाद हम बेल्ट को इस तरह से ऊपर की ओर लेंगे, तो ये इस तरह से बड़े फिनिशिंग के साथ यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। तो इसे मैं फिर से पहले जैसा कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं सिलाई ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हम बेल्ट को सिलाई ले रहे हैं, जिससे हमारा सलवार का नीचे का पैटर्न और बेल्ट एक दूसरे को ज्वाइंट हो जाएंगे। ये सिलाई पूरी तरह से हमें राउंड में लेनी है, और सिलाई लेते हुए हम पिन को निकालते जाएंगे। यहां पर बेल्ट को पूरी तरह से राउंड में मैंने सिलाई ले ली है, और ये एक सिलाई लेने के बाद आप डबल स्टिच लगा दीजिएगा यहाँ पर। तो ये पूरे राउंड में सिलाई हो जाने के बाद मैं इसको ऊपर की ओर बेल्ट को ले लेती हूँ, क्योंकि ये नीचे की ओर है। इसको ऊपर की ओर ओढ़ लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये हमारा पूरा बेल्ट राउंड में फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो चुका है। तो अब आते हैं बॉटम की ओर। बॉटम को हम ज्वाइंट करेंगे, तो बॉटम के लिए ये जो पट्टी हमारी बची थी कलियों के ऊपर की पट्टी कपड़े की, तो वो हमने ले ली है। ये लगभग आप 2.5 इंच से 3 इंच तक ले लीजिएगा, और बॉटम की ओर 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर स्टिच लगा दी। जहाँ पर हमारे पार्ट का ज्वाइंट है वहीं तक ही हमें लेना है। अब इसको उल्टी साइड में ले लेते हैं। सिलाई मार्जिन को नीचे की तरफ दबाएंगे, और उसके ऊपर ये 1 इंच विड्थ की कैनवास की पट्टी रखेंगे, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लेते हुए जाएंगे। बाद जो नीचे की तरफ कपड़ा बचता है इसको इस तरह से पट्टी के ऊपर फोल्ड करेंगे, और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड हो चुका। अब यहां से हम स्टिच लगाएंगे। आप फिर से एक बार देखिएगा हमने किस तरह से किया है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसके ऊपर से आप डिजाइन बना सकते हो, यानी कि स्टिचिंग का क्रॉस स्टिच करके यहाँ पर छोटा सा डिजाइन बना दीजिएगा, या फिर स्ट्रेट स्टिच लेते हुए जाइएगा। यहाँ से हम जो कैनवास की पट्टी है वहां पर हम 3 से 4 सिलाई लेंगे पैरेलल, 1/4 इंच से थोड़ा सा कम डिस्टेंस छोड़ते हुए हम 3 से 4 सिलाई लेंगे एक के बाद एक।
तो ये पूरा हमारा यहाँ पर बॉटम तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के बॉटम रेडी करके रखे हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए हमने इसको इस तरह से बराबर से फोल्ड किया और यहाँ से हम फिटिंग शुरू करेंगे। एक इंच का हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था, तो एक इंच बराबर से हम सिलाई मार्जिन लेते हुए इसकी राउंड में फिटिंग करेंगे दूसरे लेग्स पार्ट के बॉटम तक। तो इस तरह से ये हम यहाँ से सिलाई लेते हुए जाएंगे। सिलाई लेते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्रॉस होता है कट, तो यहाँ पर जो नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट है थोड़ा सा स्लाइटली खींचते हुए अगर हम सिलाई लेंगे तो ये सिलाई हमारी टूटेगी नहीं। और दूसरी एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ तक हम क्रॉच की ओर आते हैं तो फ्रंट और बैक दोनों क्रॉच एक दूसरे को मैच यहाँ पर हमारे होने चाहिए। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर का पार्ट या नीचे का पार्ट थोड़ा सा खींच के आप ये क्रॉच बराबर से कर दीजिएगा और उसके ऊपर से सिलाई ले लीजिएगा। बस ये दो चीजों का ध्यान रखते हुए हम ये सिलाई पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सिलाई लेते हुए हम दूसरे साइड के लेग्स पार्ट के बॉटम तक आ चुके हैं और यहाँ पर ये हमारा सिलाई कंप्लीट होगा। अब मैं ये आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये हमारा किस तरह से बना है। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो, पहले वाला इमेज हमारा फ्रंट साइड का है और दूसरा वाला इमेज हमारा बैक साइड का है। इस तरह से ये हमारा पटियाला फुल हेवी पटियाला सलवार का लुक होगा। तो आपको ये ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले